अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए, और जो लोग परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर करे। तो इसी नेक सी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, जो कि आपको, और साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा सब्र का फल दिया है नौशीन सिस्टर को, और उनको जो है ना वो ताहिरा सिस्टर की कल जो लाइव चली तो उसमें ये कहा गया कि नौशीन ने गालियां दी हैं उनको जी। तो ये सब बात गलत है कि नौशीन ने कोई गालियां नहीं दी, ठीक है ना, गालियां बल्कि बिया ने दी हैं। इस बात को मैं ख़ुद देख रहा था उधर लूज की लाइव में बिया की। तो बस अल्लाह पाक इन सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और इसी तरह जो है ना अल्लाह पाक इनको नेक हदायत दे और इनकी लड़ाई जो है ना वो आपस में ख़त्म हो। हम तो यही कह सकते हैं, हम तो किसी को बीच में लड़ाने हम नहीं चाहते, हम तो यही कहते हैं कि अल्लाह पाक इन सब को हदायत दे और इनकी जो आपस की बात है, हमारी जो सितारा सिस्टर की टीम है उसको इसी तरह बरकरार और उसी तरह सपोर्ट में रखें। और कुछ लोग कह रहे हैं कि सितारा के सपोर्टर के चैनल को बंद करवाया जाए, लेकिन ये बात गलत है, सितारा के सपोर्टर के चैनल को बंद मत करवाएं। माशाल्लाह गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने काम पे। तो आज तक आपको मैंने घर की वीडियो वगैरह शेयर की है अपनी, तो आपने काम की रूटीन नहीं शेयर की, तो आज मैंने कहा कि आपको अपने काम की रूटीन शेयर करता हूँ। माशाल्लाह रोज़ा भी रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज तीसरा रोज़ा है, और अभी जो है ना मैं आपको अपने काम की रूटीन शेयर करूँगा जो मैं काम करता हूँ, ठीक है ना। वो आप भी देखिएगा कि कितना मेहनत वाला काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने काम पे फ़ख्र है, और जो मैं कर रहा हूँ, आज तक घर के ही ब्लॉग देखे हैं मैंने, कहा वो घर की हर तरफ वो चूल्हा वगैरह या घर की कुछ सेटिंग वगैरह दिखा के मैं, हम खुद यानी कि इस चीज़ को बोरिंग महसूस करते हैं, तो आप तो खुद ही बोर होते ही होंगे। तो आज आपको मैं अपने काम की रूटीन जो है ना वो शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये काम की रूटीन बहुत पसंद आएगी और आप ज़रूर इसको फॉलो करेंगे माशाल्लाह। तो गाइस माशाल्लाह अभी जो है ना अभी शुरू होने वाला हूँ, ये देखिए ये ग्राइंडर है और मैंने लगानी है इधर झरी, तो आप देखिएगा कि कितना मुश्किल काम है, और मैंने अपनी वो पूरी सेफ्टी की हुई है, हेलमेट वगैरह नहीं पहना लेकिन सेफ्टी की हुई है। माशाल्लाह हमारे इफ्तारी के लिए जो है ना वो हमारा सादा सा दस्तरखान लग गया है, और अभी हम लोग करने लगे हैं इफ्तारी। इफ्तारी में ये है जी हमारे पास खरबूजा, सेब, खजूर, नमक और वो रायता और पकोड़े हमारे इधर तैयार हो रहे हैं, और साथ में शरबत है और पकोड़े इस तरफ हमारे हो रहे हैं तैयार। ये देखें जी, ये अभी एक तीन चार पकौड़े जो है ना वो निकल के, ये देखें ये प्लेट में आ चुके हैं। बेगम साहिबा जो है ना वो बना रही हैं पकौड़े, और अभी कुछ टाइम भी होने वाला है और अभी बैठ के हम लोग करते हैं इफ्तारी। तो जिस बहन भाई ने हमारे साथ आके इफ्तारी करनी है, मोस्ट वेलकम, हमारे पास आएँ और इफ्तारी करें। और ये हमारे बोलू बोलू से मेहमान जो है ना वो दस्तरखान पर बैठे हुए हैं, और इधर हूँ मैं माशाल्लाह। और अभी हम लोग करने लगे हैं इफ्तारी।
चला गाइस, बेगम साहिबा जो है ना वो जा रही हैं और उधर वो काशिफ भाई की बेगम शानी बाजी से मिलने के लिए सामने बैठी हैं। शानी बाजी सामने बैठी हैं, वो सामने बैठी हैं, इधर इधर वो कोने पे बिल्कुल सामने बैठी हैं, इधर इधर वो कोने पे उधर बैठी हैं, सामने शानी बाजी बैठी हैं सामने, और सामने कोने तो जड़े मार्क्स वाले बैठे हैं, और सामने कोने वाले सामने कोने वाले बैठे हैं, इधर सामने वाले। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ये शानी बाजी हैं माशाल्लाह, और शानी बाजी से मुलाकात हो रही है बेगम साहिबा की, माशाल्लाह।